हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग ब्लॉग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, कहीं पर भी आप उसको खोल लें, आपको डालना है bankofbaroda.in। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही आप खोलेंगे, मैं आप देख रहे होंगे कि मैं मोबाइल में खोल रखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है नीचे इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें, फॉर प्रोसीड यू नीड पैन नंबर, आधार नंबर, ऑपरेशनल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर आधार नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस। यानी कि आप यहाँ पर देखिए, आपको इतनी चीज़ों की जरूरत रहेगी, पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो आपके आधार नंबर में रजिस्टर्ड हो वही वाला, और वैलिड ईमेल आईडी आपके पास में होना चाहिए, और आपकी जो डिवाइस है वो इंटरनेट उसमें होना चाहिए। चलिए प्रोसीड कर देते हैं। जैसे आप प्रोसीड करते हैं, आप यहां पर देखेंगे कि इस तरह से आपके सामने विंडो खुल जाएगी। आप इनको जितने भी 4 स्टेप्स यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं, इन सभी को आपको फिल करना होगा। टाइटल चलिए भर लेते हैं, यहां पर मिस्टर कर दिया है, यहां पे फर्स्ट नेम डाल देते हैं, ये हमने फर्स्ट नेम डाल दिया, मिडिल नेम डाल देते हैं, ये मिडिल नेम डाल दिया है, और लास्ट नेम डाल देते हैं, ये भी डाल दिया, ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये हमने ईमेल एड्रेस, ये हमने ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल दिया है, और आगे आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार से लिंक हो, तो चलिए डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको मिलने वाला है ओटीपी, आप यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे, ये हमारा ओटीपी आ गया है। ये हमने डाल दिया है और अब बढ़ जाना है आगे। और यहाँ पर आप देखिए कि कुछ बॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको आपको माइनर, आई एम नॉट माइनर, इन सभी को क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आई एम टैक्स रेजिडेंस, और इन सभी को यहाँ पर आप फैचा, ये सब चीज़ें डिक्लेरेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको पढ़ता कौन है। और यहाँ पर आप देखें कि जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करना पड़ेगा, तब ये आपका टिक बॉक्स लगेगा, और यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले ही यहाँ पर पढ़िए या आप ना पढ़िए, और वैसे भी कोई नहीं पढ़ता है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर सी के वाई सी टर्म्स को भी यहाँ पर क्लिक करके आपको नीचे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी आपके चेक बॉक्स टिक हो जाएंगे, और नेक्स्ट में आपको कर देना है क्लिक। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। और यहाँ पर देखिए, सेकेंड स्टेप में हम आ गए हैं, पैन एंड आधार से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी हमें डालनी होगी, तो चलिए डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए, हमें यहाँ पर डालना है आधार नंबर, ये हमने डाल दिया है आधार नंबर। और यहाँ पर आगे आप देखिए, इन सभी को टिक कर देना है, ये हमने टिक कर दिया, और ये भी हमने टिक कर दिया, और इस तरह से यहाँ पर आपका ओटीपी आएगा आधार नंबर के लिए। तो ये आप यहाँ पर देखिए, हमारा आ गया है 43-96-84, ये हमने डाल दिया है, और आपको नेक्स्ट में कर देना है क्लिक। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है, आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा पूरा जो डेटा है इसने उठा लिया है आधार कार्ड से, और बस यहाँ पर आप देखिए, इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज आधार एड्रेस, तो यस अगर आपको करना है तो ठीक है, द एवर एड्रेस इज इन आधार कार्ड विल बी यूज इन योर परमानेंट एड्रेस, सेलेक्ट द नियरेस्ट ब्रांच एज पर योर कन्वीनियंस फॉर योर मेंशन पिन कोड इन कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पर हम इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम, तो यहाँ पर हमने कर दिया है नो, और यहाँ पर आपको सेव चेंजेस ब्रांच, चलिए ठीक है। अच्छा ही यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कि हमें यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना पड़ेगा यदि आपका कोई कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो चलिए यहाँ पे हम कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देते हैं। ये यहाँ पर पता आ गया है, और प्रोसीड में आपको आगे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखिए, पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनेशन एंड एडिशनल सर्विसेज में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको मदर्स नेम, फादर्स नेम और वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, तो चलिए डाल देते हैं। टाइटल हमने डाल दिया है, और फादर्स नेम तो ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया, मिडिल नेम, लास्ट नेम हमने यहाँ पर ये डाल दिया है,
और मदर्स नेम टाइटल में यहाँ पर आपको मैसेज और फर्स्ट नेम मिथिलेश ये हमने डाल दिया है और इतना ही है। आगे यहाँ पर आप देख लें फिर रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ पर लास्ट नेम डालना जरूरी है मदर्स नेम तो यहाँ पर हमें सिंह डाल देना है ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। और एम्प्लॉय स्टेटस में आपको कर लेना है क्लिक और सेल्फ एम्प्लॉयड आपने क्लिक कर लिया है और इनकम रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे हमने 5 लाख तक के लिए सेलेक्ट कर लिया है। मदर मैडन नेम तो यहाँ पर हमने डाल दिया है ये हमने डाल दिया है। ऑक्यूपेशन 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 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आप इतने सारे दिख रहे हैं जो भी आप यहाँ पे डालना चाहें डाल सकते हैं ये हमने डाल दिया है। और मैरिटल स्टेटस तो यहाँ पर अनमैरिड डाल दिया आपको जो भी डालना हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। नॉमिनी यहाँ पर भरना है तो नॉमिनी डिटेल में आप यहाँ पर देख लें टाइटल हमने डाल दिया है और यहाँ पर हमने मैसेज सेलेक्ट कर लिया है मदर्स नेम यहाँ पर डाल देंगे मिथिला सिंह ये हमने डाल दिया और यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम डालना था और यहाँ पर लास्ट नेम डाल देंगे सिंह ये डाल दिया है। डेट ऑफ नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी हमें यहाँ पर डालना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और हमें ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 1975 जनवरी फर्स्ट ये के लिए रिलेशनशिप यहाँ पर हैं तो हम मदर सेलेक्ट कर लेंगे डॉटर फादर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कर लिया है मदर। सेम एज एप्लीकेंट्स एड्रेस यहाँ पे क्लिक कर दिया है और आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम मिथिला एज फिल रिक्वायर्ड फील्ड ऊपर यहाँ पे चलिए आप और यहाँ पर आपको मदर्स नेम मिथिलेश तो यहाँ पर आप कर लें मिथिला ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और आगे भी आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम मिथिला ये हमने कर लिया सेलेक्ट और आगे आपको यहाँ पर कर देना है प्रोसीड में क्लिक। जैसे आप प्रोसीड में क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर जितने भी सर्विसेज हैं हमको सब की सब चाहिए। यू आर ऑलमोस्ट डन प्लीज चूज द सर्विस यू वुड लाइक टू अवेल फॉर अस टू सर्व यू बेटर। तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर ली मोबाइल बैंकिंग सेलेक्ट कर ली और SMS अलर्ट सेलेक्ट कर लिया और UPI भी सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट में आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें ये आपका डिटेल आ रहा है यहाँ पर और अदर डिटेल्स आ गया है जो भी जानकारी है हमारी वो यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है और पर्सनल डिटेल्स पर यहाँ पर दिख रहा है फादर्स नेम मदर्स नेम लेक्चर अनमैरिड जो भी हमने यहाँ पर फिल किया है वो सब कुछ हमें यहाँ पर दिख रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मिस्टर रमाकांत चौरसिया सर्किट हाउस कॉलोनी अलाजी 10 नियर पठापुर टिकड्डा छतरपुर मध्य प्रदेश और ये मेलिंग एड्रेस है और यहाँ पर सब कुछ हम जानकारी जो भी हमें सर्विस चाहिए वो है सबमिट एप्लीकेशन में हमें कर देना है क्लिक। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया आप देखिए कि ये यहाँ पर कंग्रेचुलेशन हमें यहाँ पर SMS के द्वारा हमारा CIF नंबर मिल गया है और हमें वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर लिख किया गया है योर सेविंग अकाउंट इज सक्सेसफुली ओपन्ड गुड डबल वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा योर अकाउंट डिटेल्स हैव बीन मेल्ड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल यू कैन स्टार्ट ट्रांजेक्टिंग बाई डाउनलोडिंग बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस आफ्टर रिसीविंग एम पिन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि आपको सीधे एम कनेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसमें एम पिन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा जाएगा जिससे आप मोबाइल नंबर या आवश्यक जानकारी डालते हैं। तो ये फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इस तरह से आप बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में आप अपने जैसे जानकारी फिल कर देते हैं आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुल जाएगा आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है आपका जो डेबिट कार्ड है आपके घर में जो आपने पता डाला हुआ है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए यहां पर क्लोज में हम कर देते हैं क्लिक और यहां पर देखिए अदर प्रोडक्ट सर्विसेज तो यहां पर हमें कोई भी सर्विसेज नहीं चाहिए कन्फर्म एंड क्लोज हेल्थ इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड
तो हमें ये अभी कुछ भी नहीं चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, होम प्रोडक्शन इंश्योरेंस नहीं चाहिए, कन्फर्म एंड क्लोज हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, योर डिटेल्स हैव बीन सेव्ड, क्लोज हमने कर दिया क्लिक। और इस तरह से फ्रेंड्स आप देखते हैं कि हम पुनः पहले वाले पेज में आ गए हैं। तो हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कुछ आपको खराबी लगती है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के बैंकिंग से रिलेटेड और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।